सो हे फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले बहुत वीडियो बनाई है, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है, हमने फाइनेंस और बिजनेसेस के बारे में बात की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक ही टॉपिक पे बैठ जाए। आज हम बात करने वाले हैं रिलीजन एंड फिलोसफी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीख सकते हैं। रिलीजन के बारे में आपको पता है क्या होता है, फिलोसफीज़ के बारे में आपको पता है क्या होता है। तो मे बी मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ रिलीजन फिलोसफी से रिलेटेड। एक प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट की है, उसमें मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा और आप मे बी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ। तो रिलीजन के बारे में आपको पता है कि हज़ारों सालों से ह्यूमन सोसाइटी रिलीजन को फॉलो करती है, रिलीजन से ज़्यादा किसी फिलोसफी को फॉलो करती है। अगर बंदा किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, वो एथिज़म है, तो भी उसकी एक फिलोसफी होती है, वो किसी आइडियल को मानता है और उस आइडियल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीता है। तो आज हम बात करते हैं स्टोइक के बारे में। दोस्तों, स्टोइक आप लोगों ने स्टोइक के बारे में नहीं सुना होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो दुनिया की 1% आबादी है, ठीक है, स्टोइक को फॉलो करती है। अब स्टोइक ऐसा नहीं है कि स्टोइक में आप किसी भगवान को मानो, किसी गॉड को फॉलो करो, किसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोइक इज़ द वे ऑफ लिविंग, आपको ऐसे जीना है। स्टोइक, अगर मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन, अगर आप स्टोइक को फॉलो करते हो तो मे बी आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। अब कम लोगों ने सुना है कि स्टोइक होता क्या है, स्टोइक की शुरुआत कैसे हुई, किसने बनाई, स्टोइक रिलीजन है क्या, ये क्या है, मतलब स्टोइक से रिलेटेड। तो चलो स्टोइक के बारे में कुछ बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। तो स्टोइक के बारे में बात करते हैं। एक एंशिएंट ग्रीस में एक आदमी था जिसका नाम था जीनो। ओके, वो एक व्यापारी था, एक मर्चेंट था। वो ग्रीस में आ रहा था, मतलब सी ट्रेड से, मतलब समुद्री रास्ते से आ रहा था। बीच में तूफान आया, उसके जहाज डूब गई, उसके आदमी मारे गए, लेकिन वो फिर भी बच गया। तैरते तैरते ग्रीस के किनारे पे पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। उसने अपने जीवन भर की जितनी भी पूंजी थी सारी गंवा दी। उसके पास एक रुपया भी नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने सब गंवा दिया। तो जीनो चलते चलते एथेंस शहर में पहुंचा। अब एथेंस शहर के बारे में आपको पता है कि एथेंस शहर, जहाँ पर डेमोक्रेसी सबसे पहले आई थी, एशियन ग्रीस में एथेंस शहर हुआ करता था, जो कि आज भी है। तो एथेंस शहर में पहुंचा, वो मतलब अपनी सब चीज़ें खो चुका था। तो वो सोचा कि क्या कोई चीज़ वापस वही सब करने से अच्छा है कुछ अपनी दूसरी लाइफ जी जाए, ठीक है। वो व्यापारी वाली लाइफ से तंग आ चुका था, वो सोचा कि मैंने जीवन भर की मेरी जमा पूंजी थी वो तो गई, अब क्या करना है मेरे को, राइट। तो वो एथेंस शहर की एक लाइब्रेरी में गया, वहाँ पर उसने एक हॉबी बनाई किताबें पढ़ने की, उसने किताबें पढ़ने स्टार्ट की। तो एशियंट ग्रीस ने, अच्छी बात ये थी कि जो भी बड़े बड़े फिलोसफर्स थे वो एशियंट ग्रीक्स में जाके स्टडी करते थे, या वहीं से ओरिजिनेटेड है, सोक्रेटिस, प्लेटो वगैरह जो भी है, एरिस्टोटल जो भी। तो उसने जो भी महान महान फिलोसफर थे उनकी किताबें पढ़ी, यहाँ तक कि उसने खुद के प्रिंसिपल्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए। उसके जो उपदेश थे वो लोगों को बहुत पसंद आए, उसकी खुद की फॉलोइंग बढ़ने लगी, ठीक है। उसने खुद ने किताबें लिखी, उसके खुद के प्रिंसिपल्स थे और लोग उसको फॉलो करने लगे। अभी देखो, ये आपको बहुत बोरिंग टाइप का लग रहा होगा कि अभी भी ये स्टोइक है क्या, मतलब वो उसने क्या ऐसे प्रिंसिपल्स दिए एक फिलोसफी टाइप की। तो उसकी फॉलोइंग बढ़ी और उसके जो फॉलोवर्स थे उसको बोलने लगे स्टोइक, जो उसकी फॉलोफी उसकी फिलोसफी को फॉलो करते हैं, और उसके रिलीजन को बोलते हैं स्टोइसिज्म, ठीक है। स्टोइक और स्टोइसिज्म मतलब है कि जो लोग एशियंट ग्रीस में क्या करते थे, लोग सीढ़ियों पे बैठ के अपनी फिलोसफी डिस्कस करते थे, उन पे डिबेट करते थे सीढ़ियों पे बैठ के, मतलब वो एक वहाँ पे एक कल्चर था, वहाँ पे एक ट्रेंड था, सीढ़ियों में बैठते थे। और जो सीढ़ियों में और जो बड़े बड़े पिलर होते थे एशियंट ग्रीस में, उनके नीचे बैठ के जो करते थे डिस्कस, उनको बोलते थे स्टोइक। अब देखो, स्टोइक की एक अच्छी बात बताता हूँ। आपने बहुत सारे टीवी पे देखे होंगे, उपदेश देखे होंगे, महाराज लोगों के उपदेश देखे होंगे, आपने बहुत सारे अपने चीज़ें देखी होगी जो लोग एक चीज़ बताते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है, मोह माया है, ये संसार कुछ भी नहीं है, दुनिया कुछ भी नहीं है, टेम्प्रेरी है, किसी चीज़ का पीछा मत करो, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा इस लाइफ का, मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भगवान की पूजा करो, अच्छी बात है, दैट्स गुड। लेकिन स्टोइक क्या कहता है, जो कि स्टोइक का जो ओपिनियन है मुझे काफ़ी पसंद है। स्टोइक कहता है कि ये सब फालतू की बातें हैं कि मोह माया है, जो कुछ भी है कुछ मत करो लाइफ में, क्या करें ऐसे ही बैठ जाएं। स्टोइक कहता है आपको एक लाइफ मिली है, उसको आप अच्छे से जियो। देखो मैं क्या बताता हूँ, एक फॉर्मूला था योलो, यू ओनली लिव वंस। जीनो के जो
फॉलोवर्स थे या जो भी, वो कहते थे कि तुम एक बार ही तुम्हें लाइफ एक बार मिली है, तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ है भी नहीं, इसको अच्छे से जियो और उसको अपनी लाइफ को क्या करो, बेस्ट बनाओ। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आने लगा, मतलब आपको साधुओं की जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है, चाहे आप कुछ भी करो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप एक जगह रेस्ट करोगे, आप एक जगह बैठ जाओगे, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ करना है। ठीक है, मैं स्टोइक से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाने वाला हूँ, जितना हो सके एक वीडियो दो वीडियो और मे भी, मैं आज आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टोइक्स के फॉलोअर बढ़ने लगे। तो एशियंट ग्रीस में एक किंग था, एक राजा, उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। ये राजा स्टोइक को फॉलो करता था। ठीक है, सपोज अगर ये राजा आपका दोस्त होता तो मतलब आपको ये बंदा पसंद नहीं आता, क्योंकि वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको ये अगर कोई बात बोलता आपको पसंद नहीं आती, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथ एकदम सही बोलता था बात। आप पूरा दिन अपना वेस्ट करते हो, आप सुबह उठते हो, आप मोबाइल चलाते हो, आप देखते हो कि लड़की ने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया है। ठीक है, जाहिर सी बात है आप अगले हो, आप दिखने में अच्छी नहीं हो, इसलिए आपको टेक्स्ट नहीं किया है। अगर आप मार्कस ऑरेलियस के आगे ये बात करते कि बंदी मुझे क्यों टेक्स्ट नहीं कर रही है, तो आपको ये बोलता कि तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, इम्प्रूव करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्टोइक का मेन मोटिव क्या है, अपनी लाइफ को बेस्ट बनाओ, खुद को इम्प्रूव करो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, बेस्ट के बाद आता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, खुद का पोस्चर सुधारो, ग्रेटनेस होती है उस चीज़ को फॉलो करो, किसी एक चीज़ को लेके मत बैठो। दुनिया बढ़ रही है, अभी देखो 100 साल पहले आप चले जाओ, दुनिया जैसे थी वो आज ऐसे ही नहीं, क्योंकि दुनिया चेंज हुई है, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि किसी भी पुरानी चीज़ को आप लेके बैठ जाओगे, आपको कुछ करना है। ये जो दुनिया चेंज हो रही है ना, उस चेंज में आपको हिस्सेदार बनना है। आप किसी भगवान को मानो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, लेकिन आपको स्टोइसिज्म फॉलो करना ज़रूरी है, इस पर माई ओपिनियन, क्योंकि आपको कुछ करना होता है, आपको कुछ करना है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना है, आपके आने वाली जनरेशन के लिए आपको सुधारना है, मतलब आपको कुछ ऐसा करके जाना है कि आपको लोग याद रखे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको कुछ ऐसा करके जाना है आप वो लोग आपको याद रखे। अब मैं आप कुछ भी बताता हूँ कि ऐसे बंदे जो कुछ करते हैं वो उनको पता नहीं है वो स्टोइक को ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट जिसने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया जो आज हमारी लाइफ को अच्छे बना रहा है, सपोज किसी साइंटिस्ट ने लाइट बल्ब क्रिएट इन्वेंट किया तो आज हमारी लाइफ को कितना अच्छा बना रहा है। किसी साइंटिस्ट ने, किसी बंदे ने मोबाइल इन्वेंट किया तो उसने कुछ किया है, ऑफकोर्स वो उसने कुछ किया। ऐसा नहीं है कि आप किसी पूरे दिन बैठ जाओगे, रेस्ट करोगे, बाहर निकल लोगे, घूम लोगे, आपका कोई मोटिव नहीं है लाइफ का, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लाइफ बहुत मुश्किल बना रहे हो। तो आप उन लोगों को देखो, उन लोगों ने भी कुछ किया है। ये बात अलग है कि वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज हम उनको याद करते हैं, ज़बरदस्ती हमें उनका नाम याद करवाया जाता है। तो स्टोइक आप समझ रहे हो, कुछ करो। अब ये ना स्टोइक आपको लग रहा है कि मोटिवेशन स्पीच टाइप का लग रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्टोइक्स के बेसिक्स प्रिंसिपल क्या होते हैं, और मार्कस ऑरेलियस ने आपको मतलब उसने ऐसी क्या बात बताई कि वो मतलब आपको लाइफ कैसे जीनी चाहिए, सुबह उठ के आपको क्या ऐसी चीज़ करनी है जो आपको स्टोइक बनाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बिलीनियर्स होते हैं, ठीक है, सपोज बिलीनियर्स उस स्टोइक को फॉलो करते हैं, आप मानो या मत मानो स्टोइक को बिलीनियर्स फॉलो करते हैं, उनका जो जीने का तरीका होता है, तभी वो बिलीनियर्स बने हैं, और या बिलीनियर्स बनने के बाद वो स्टोइक को फॉलो करते हैं। राजा जैसी ज़िंदगी जियो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई खाना और मतलब साफ़ करना, ये तो ऐसा काम जानवरों का होता है। ठीक है, तो आपके पास एक मोटिव मिला है, और मार्कस ऑरेलियस कहता है आपकी जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, मतलब आप सुबह उठते हो ना तो आप एक दिमाग में एक चीज़ सोच के रखो कि मुझे एक दिन और मिला है कुछ करने के लिए, मतलब उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो यार, आपको जो लाइफ मिल रही है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो। आपको कुछ एक दिन आपको और मिला है, आप सुबह उठते हो, आप ये सोचो कि आज यार आज मुझे कुछ करना पड़ेगा सीरियसली, मतलब ऐसी चीज़ की जिससे मेरी लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, सुबह उठ गए, कुछ नहीं किया, बाहर घूम लिए, मतलब कुछ भी नहीं किया आपने, टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं करना है। मार्कस ऑरेलियस अगर होता और आपका अगर फ्रेंड होता तो आपको फ्रेंड मना, मतलब आपको वो आपके पास बैठने नहीं देता, खुद आपको पास ही नहीं बैठाता, वो टाइम वेस्ट सबसे बड़ा एनिमी है। ठीक है, वो कहता है कि पैसे खो जाएंगे, आपका एम्परर मतलब एम्पायर खो जाएगा, सब चीज़ें खो जाएगा, ठीक है, वो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो प्रीसियस टाइम अगर वो चला गया वो कभी नहीं आएगा।
तो आप समझ रहे हो ना कि एक जो होता है बेसिक फिलोसफर्स होते हैं जो कहते हैं कि कुछ मतलब नहीं है दुनिया का, सब चीज़ें मतलब मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है, मत जियो, मतलब वो इसका कहना मतलब है। और मार्कस ऑरेलियस जो स्टोइसिज्म बोलते हैं कि इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ करना है और ये जो लाइफ तुम जी रहे हो ना इसका ज़रूर कुछ मतलब है, तभी तुम इस दुनिया में हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये तुम इस दुनिया में हो ना तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आप एक जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहे हो, आपका कोई मोटिव नहीं, आपका मोटिव बस खाना खाना है। तो आपको ये बात समझ में आई? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोइक के बेसिक प्रिंसिपल्स को। अगर आप उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो मे बी आप बिलियनेयर मिलियनेयर बन सकते हो इन फ्यूचर में, बिलीव मी। अगर आप ऐसा करते हो तो सीरियसली, जिन जिन लोगों ने स्टोइक अपनाया है, जिन जिन लोगों ने, उन लोगों ने कुछ किया ही है, ठीक है, उससे आप रिच बन सकते हो, फेमस बन सकते हो, लोग आपको जानेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, जैसे राजा लोगों की रेस्पेक्ट होती थी और रिच लोगों की जैसे रेस्पेक्ट होती है। स्टोइक्स को फॉलो करो और देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फ्रेंड्स।